हेलो एवरीवन, मैं हूं आदित्य और ये खेल एनालिटिक्स का नया वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान के बीच में मैच होने जा रहा है एशिया कप का 14 सितंबर को, उसके बारे में। और जिन्होंने हमारा कल का वीडियो देखा होगा वो इस समय बहुत अच्छा कमा रहे होंगे, क्योंकि हमारे इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड में वाइस कैप्टन बेन स्टोक्स थे। तो अगर ऐसे ही आपको टीम अच्छी बनानी है तो वीडियो को फॉलो करते रहना और हमको आगे देखते रहो। तो फिलहाल ये एक चीज और बता दूं, बाबर आजम की मुझे कोई अच्छी फोटो मिली नहीं, ब्लर फोटो थी और मुझे बाबर आजम की फोटो देखने का ज्यादा मन भी नहीं था, तो मैंने ये लगा दिया। अब फिलहाल वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लो कि भाई मैच क्या है। मैच के बारे में थोड़ा और जो चीज बताएं समझ लो, पाकिस्तान श्रीलंका के बीच में मैच है एशिया कप का, 14 सितंबर दोपहर 3 बजे होने वाला है इंडिया के हिसाब से। श्रीलंका का भी टाइम सेम ही है, तो 3 बजे मैच होगा। प्रेमादासा स्टेडियम कोलंबो में मैच होने जा रहा है। अब पिच कौन सी यूज होगी ये हमको जब वहां पे मैच चालू होने वाला होगा उस तब पता चलेगा कि पिच कौन सी यूज होने वाली है इस मैच में। फिलहाल हम जरा प्लेइंग 11 देख लेते हैं। प्लेइंग 11 का मैं नाम लूंगा तो आप सबसे पहले एक बात समझ लो कि इस वीडियो के अंत में एंड में मैं प्लेयर एनालिसिस जो करूंगा वो मैं रेगुलर एनालिसिस नहीं करूंगा कि इसने इतने रन बनाए इसने इतने रन बनाए। मैं आपको थोड़ा फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि हर प्लेयर एक मैच में कितने फैंटेसी पॉइंट्स देता है, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो वीडियो अंत तक देखना। श्रीलंका की बात कर ले तो सबसे पहले आएंगे पी निसंका, करुणा रत्ने, कुशल मंडीस, समर विक्रमा, चरित असलंका दिखेंगे, धनंजय डी सिल्वा, दसुन चनाका, दुनित वलालागे, महेश तिक्कन, लहिरु कुमारा और कहीं कसुन रजिता, मथीशा पटिथिराना में से कोई एक खेलेगा, ये मुझे टीम लग रही है। पाकिस्तान की टीम की बात करें तो इन्होंने अपना प्लेइंग 11 अनाउंस कर दिया है। फखर जमान नहीं खेलेंगे, मोहम्मद हारिस खेलेंगे। इस बात को आप ध्यान रखना क्योंकि आप जितने भी इस समय वीडियो देख रहे होगे ना सब यही बोलेंगे कि फखर जमान खेल रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल तगड़ी रिपोर्ट दे रहा हूँ, मोहम्मद हारिस खेलेंगे और नसीम शाह की जगह जमान खान खेलेंगे। तो मोहम्मद हारिस, इमामुल हक, बाबर आजम, फिर रिजवान आएंगे, इफ्तिखार अहमद चिचा हमारे, आगा सलमान, शदाब खान, मोहम्मद नवाज, सलमान खान, शाहीन अफरीदी और हारिस रव, ये हो गई हमारी टीम। अब जरा हेड टू हेड बैटर स्टैट्स की बात कर लेते हैं। तो देखो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि दोनों टीमों ने आपस में कुछ ज्यादा मैचेस खेले हैं नहीं पिछले 3-4 साल में। ले दे के कुछ प्लेयर हैं उनके स्टैट्स हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ। मोहम्मद रिजवान ने 5 मैचेस खेले, 136 रन बनाए हैं। इमामुल हक ने पाकिस्तान की तरफ से 4 मैच खेले, 178 रन बनाए हैं। बाबर आजम ने 10 इनिंग्स में 496 रन बनाए हैं। बाबर आजम हल्की फुल्की कमजोर टीम पा जाते हैं, यानी लाइनअप थोड़ा सा बॉलिंग लाइनअप कमजोर हो तो रन बनाने को में इनको मजा आता है। दशन सनाका 2 मैच में 111 रन, फखर जमान 8 मैच में 328 रन, पर ये खेलेंगे नहीं कल। कुशल परेरा 12 मैच में 428 रन। बॉलर्स की बात कर लें तो बॉलर्स में आपको खेल पाकिस्तान के बॉलर दिखेंगे जो कि शदाब खान है, 7 मैच में 13 विकेट, फहीम अशरफ 3 मैच में 2 विकेट और नवाज को 1 मैच में 1 विकेट मिला है, जो प्रेजेंट लाइनअप खेल रहा है उनके पिछले 2-3 साल का मैं बता रहा हूँ आपको। ये देख लो ये क्या है, ये हमारा QR कोड है। अगर वीडियो देख रहे हो तो इस QR कोड को स्कैन कर लो और हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लो @खेलanalytics में, उसी पे मैं सारी टीम्स देता हूँ। हम हाल फिलहाल में एक चीज हमने की थी कि हमने 0 रुपए से चालू किया था और जो है हमारा प्रेजेंट पहले दिन का इन्वेस्टमेंट हमने 1,000 रखा था। आप उसको 1,000 की जगह अगर आपकी जैसी लिमिट है 100 भी रख सकते हो, 10,000 भी रख सकते हो, और हमने सेम लिमिट से हम मैचेस खेलते थे। उसके बाद ये हुआ कि तकरीबन 12 दिन में हमने 1,000 के 20,000 बना ली। ये हमने चैलेंज किया था, ओपन चैलेंज था, ओपन चीज हम करते थे और टेलीग्राम चैनल पे मेंशन है, आप जाओगे तो ऊपर आपको दिख जाएगा। अब जरा देख लेते हैं होता क्या है। जो टीम टॉस जीतती है वो क्या करती है, टॉस जीत के 60% टीमें कहती है मैं बैटिंग करूंगी और टॉस जीत के चेस करने वाली टीम होती है 40%। पिछले 10 मैचेस में 6 बार बोला गया है कि टॉस जीत के हम चेस फर्स्ट बैटिंग करेंगे, फिर और 4 बार बोला कि हम चेस करेंगे। होता क्या है, जो टीम टॉस जीतती है तो 3 में से 10 ही बार जीती है मैच। तो अगर आप सही टीम है तो आप आइडिया लगा सकते हो कि आपको एक थोड़ा सा टॉस पे होता है ना कि आपको समझ नहीं आ रहा, टॉस के बाद देखूंगा मैं किस टीम को ज्यादा सपोर्ट करूं, तो ये आपके लिए वो स्टैट है। ठीक है, अब जरा वेन्यू पे बात कर लेते हैं किसने कैसा खेला है। आगा सलमान ने 2 मैच खेले हैं पाकिस्तान की तरफ से, 61 रन बनाया। कुशल मंडिस 13 मैच खेल चुके हैं वेन्यू पे, 561 रन है इनके, 56.1 एवरेज, काफी अच्छा है। कल मुझे लगता है कि अपार्ट ऑफ द स्टैट्स हमको इन्हें थोड़ा सा अपनी टीम में कंसीडर करना पड़ेगा। फिर आते हैं समर विक्रमा 3 मैच में 164 रन, मोहम्मद रिजवान 4 मैच में 104 रन,
असलम का 11 में 492, कुशल परेरा 15 में 521 रन, काफी अच्छे खेले परेरा ने भी, काफी अच्छे खेले। पथुम निशान का 5 मैच में 198 रन, बाबर आजम पावर द ग्रेट हमारे 2 मैचेस में 70 रन बनाए, अब देखिए कल क्या होता है इनका। फिर मोहम्मद नवाज 1 मैच में 30 रन और करुणा रत्ने 5 मैच में 117 रन। बॉलर्स देख लेते हैं, बॉलर्स में देखें तो विराट आगे ने 5 मैचेस में 11 विकेट लिए हैं, वर्ल्ड कप के टाइम पे इनके पास एक बहुत ही अच्छा प्लेयर आ गया, दुनिया वाला आ गया, तो जो एलपीएल वगैरह खेला होगा उसको पता होगा इनकी इम्पोर्टेंस, काफी अच्छे प्लेयर हैं। और मुझे तो लगता है कि ये नसीम शाह के बारे में भी मैंने लास्ट ईयर बोला था और आज भी बोल रहा हूँ कि ये नेक्स्ट बिग थिंग रहेंगे फॉर श्रीलंका। फिर आते हैं हमारे तीसरा, तीसरा ने 6 मैच में 11 विकेट लिए, धनंजय डिसिल्वा ने 16 मैच में 10 विकेट लिए, शनाका ने 14 में 9, असलंका ने 11 में 5, शादाब खान को 2 में 4 विकेट मिले, रजिता को 5 में 4, शाहिन अफरीदी 2 मैच में 3 विकेट। ये देखिए ना, ये ग्रेटेस्ट बॉलर ऑफ दिस एरा, इतने इसके इतने अजीब अजीब से स्टैट्स क्यों रहते हैं पता नहीं, पता नहीं फिर भी लोग ग्रेटेस्ट कहते हैं। तो मथीशा पतिराना श्रीलंका की तरफ से 2 मैचेस खेले हैं, 3 विकेट लिए हैं, फहीम अशरफ को 2 मैच में 2 विकेट मिले, नवाज को 1 मैच में 2 विकेट मिले। अब जरा बात करते हैं प्लेयर एनालिसिस की, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, तो अगर आप इस वीडियो को में यहां तक पहुंच गए हो तो मैं बता दूं कि इसमें मैं वो सारी चीजें मेंशन करूंगा जैसे कि ड्रीम टीम में कितनी बार थे ये प्लेयर, 10 पिछले 10 मैचेस में ड्रीम टीम में कितनी बार था, उसके सिवा मैं आपको बताऊंगा कि हम ये इस प्लेयर को जब हम लेते हैं तो टोटल कितने पॉइंट्स देते हैं, एक तो हो गया रन बना लिया विकेट ले लिया, पर पॉइंट्स क्यों मैटर करते हैं, क्योंकि आपको याद होगा मुंबई इंडियंस की तरफ से टिम डेविड खेलते थे, वो रन चाहे जो बनाए पॉइंट आपको ज्यादा दे करके जाते थे, लॉन्ग बॉल पे लगते थे वहां पे कैच मिलता था, तो उन पॉइंट्स से आपको ये पता चलता है कि इसकी इंपॉर्टेंस है भैया, ये ग्राफ फील्ड पे है तो भी ये मुझे इतने पॉइंट्स तो दे के करके ही देगा, तो इसलिए चीज है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले आते हैं हमारे महेश तीक्ष्णा। हाँ मैं कुछ 8 प्लेयरों के बारे में बताऊंगा, अगर आप चाहते हो कि मैं सबके बारे में एनालिसिस दूं A to Z 22 लोगों की जो टीम खेल रही है, तो आप कमेंट कर देना, तो मैं अगली बार से जो बताऊंगा वो 22 प्लेयर का बताऊंगा, इसमें मैं 8 प्लेयर बताता हूँ, वो 8 प्लेयर जो मुझे लगता है कि मैं इनको लूंगा और 3 प्लेयर बचते हैं जो मुझे लगता है फिर मैं कंडीशन के हिसाब से रोटेट करूंगा। तो इनका देखिए फैंटेसी पॉइंट्स देखिए, इंडिया की तरफ से इन्होंने इंडिया के साथ जब खेल रहे थे 33 पॉइंट दिए, बांग्लादेश के खिलाफ 103 पॉइंट बनाए, अफगानिस्तान 160, बांग्लादेश 88, नीदरलैंड 157, वेस्ट इंडीज 136, जिम्बाब्वे 148, नीदरलैंड 144, हॉलैंड 114, आयरलैंड 54, गजब के फॉर्म में चल रहे हैं ये, खासतौर से ये थोड़ी कमजोर टीम थी पर यार एक क्लासी प्लेयर ना हर तरफ स्कोर बनाता है, मतलब ये नहीं होता कि वो कंडीशन में के हिसाब से ना खेल पाए, तो ठीक ठाक प्लेयर है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखा रहा हूँ मैं, ओवरऑल रैंक जो देख रहे हैं हम, इसका मतलब ये कि टोटल 22 प्लेयर में किस नंबर पे थे, तो यानी जो हमारे टॉप 11 प्लेयर होते हैं वो होते हैं हमारे किसमें, ड्रीम टीम में, पिछले 10 में से 9 बार अगर आपने इनको लिया होगा ये ड्रीम टीम का हिस्सा थे। ये चीजें आपको थोड़ा सा देख के टीम बनानी चाहिए ताकि आपको आइडिया लगे हाँ यार ये तो इम्पोर्टेंट प्लेयर है ड्रीम टीम के हिसाब से, तो ये भी अगर आप वो अप्रोच फॉलो करते हो जीएल वाला तो ये आपके काम आएगा। पोजीशन रैंक मतलब कि अपनी बॉलिंग कैटेगरी में किस नंबर पे थे, ये सारी चीजें हो जाती है ठीक है। फिर आते हैं हमारे वलल आगे के, मैंने देखो पूरे स्टैट्स दे दिए, ए टीम वाले भी दे दिए कि जब ए टीम से खेलता था तो किसके खिलाफ कितना पॉइंट्स बनाए, इंडिया के खिलाफ लास्ट मैच में 222, उसके पहले बांग्लादेश के खिलाफ 40, अफगानिस्तान के खिलाफ 92, बांग्लादेश के खिलाफ 39, पाकिस्तान ए के अगेंस्ट 66, ओमान के अगेंस्ट 100, अफगानिस्तान ए के अगेंस्ट 63, 65, 80, 51 और 10 में से 8 बार ड्रीम टीम में रहा है ये लड़का। फिर आते हैं हमारे पथुम निसंगा, पी निसंगा देखिए ओवरऑल काफी अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं, 11, 49, 53, 57, 27, 36, 36, 138, 135, 1, 1 ये काफी बुरा था, और 93 और 28। और ड्रीम टीम की बात करें तो आप 1, 2, 3, 4, 5 बार 10 में से 5 बार ड्रीम टीम में रहे लास्ट मैच में। अब आप सोच रहे हो पाकिस्तान के क्यों प्लेयर नहीं आ रहे, पाकिस्तान के प्लेयर आ गए, और अभी अभी आप रिजवान को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि रिजवान का नाम बाबर के पहले मैंने क्यों लिखा है, वो भी मैं दिखाऊंगा, पर आप देखो जरा अभी समझो, तो लास्ट में इंडिया के खिलाफ तो उनकी पूरी टीम ही खत्म हो गई थी तो क्या करें, फिर बांग्लादेश के खिलाफ 104 पॉइंट्स, नेपाल 70, 99, 14, 45, 38, 57, 44, 88, मतलब एक
डिपेंडेबल इंसान है, तुमने ले लिया तो तुमको 10 में से 6 से 7 टाइम्स, 17 टाइम्स बहुत होता है। अच्छा यार फैंटेसी में तो 10 में से 7 बार तुमको ये परफॉर्म करके दे रहा है, ठीक है। बाबर की बात करते हैं, इनकी फोटो यहाँ पे भी ब्लर है क्योंकि बाबर की फोटो मुझे अच्छी ढूंढने का मन नहीं था यार, ना समझ रहे हो बात को। तो अब देखो जरा इनको, ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ दिस जनरेशन है ये, और इन्होंने क्या बनाया, 14 22 1 13, ये ऐसे इनके, फिर 187 74 67, चलो ये ठीक है। किसके अगेंस्ट, अफगानिस्तान के अगेंस्ट, नेपाल के अगेंस्ट 187, न्यूजीलैंड 129 73 80, ये चलो अच्छा है। पर आप इनकी पोजीशन देखो, आपको 1 2 3 4 5 6 6 बार ही आपको ड्रीम टीम में दिखेंगे, कंसिस्टेंसी उतनी नहीं है, स्कोर बड़ा आ जाता है बीच में इनका, टीम पा करके मौका पा करके तो ये दिखते हैं, पर उतने कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, पर फिर भी टीम में रखेंगे इन्हें। हालांकि मैंने इनको ड्रॉप किया था पिछले इंडिया पाकिस्तान वाले मैच में, अगर आप मेरा ड्रीम चैलेंज मतलब टेलीग्राम चैनल फॉलो करेंगे तो आपको दिख जाएगा। शाहिन अफरीदी आते हैं, अच्छे बॉलर है, काफी अच्छे बॉलर हैं, कितने पॉइंट्स दे करके जा रहे हैं, 36 33 62 76 74 79 81 70 62, टीम में रखने वाले हैं पॉइंट्स, और 10 में से 9 बार ड्रीम टीम में भी रहे हैं। पर ये नहीं है कि अगर आप इनके स्टैट्स देखो ना, बहुत ही धुआंधार प्लेयर है, बहुत ही धुआंधार प्लेयर है, ऐसे नहीं कि आप इनको तुरंत कैप्टन बना दो, ठीक है ना। 50 ओवर के मैच में आप 60 पॉइंट बनाने वाले को कैप्टन नहीं बनाते हो, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा आप किसको बनाओगे। शादाब खान आते हैं, शादाब खान अगर T20 होता तो ये मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन हो जाते, पर फिलहाल T20 नहीं है, और इनका वनडे का कुछ उतना फॉर्म मतलब हाल फिलहाल के एक दो मैचेस में जो हुए लास्ट 2 मैच उतना अच्छा नहीं दिखा है, पर कैलिबर वाला प्लेयर है, बैटिंग भी करता है बॉलिंग भी करता है, दोनों तरफ से मौका है। नेपाल के खिलाफ 131 96 61 83 87 32 29 30, तो ठीक है, तो और ड्रीम टीम में भी ठीक ठाक 6 7 बार रहे हैं तो मस्ट मस्ट हैव रहेंगे। फिर हारिस रऊफ आते हैं, हारिस रऊफ के बारे में जो सबसे अच्छी बात है वो ये है, या तो बंदा विकेट नहीं लेता है, जिस दिन विकेट नहीं लेगा मान लो कि आज मैं हार गया, पर जिस दिन विकेट लेता है 2 3 4 3 4 विकेट तो काफी बार लेकर के जाता है, एक अच्छा ऑप्शन रहेगा अपनी टीम में आपको रखने के लिए। देखिए ना, या तो 1 पे है तो 21 पे, तो मतलब अगर आपने टीम में ले लिया और टीम में क्लिक कर गया तो आपको अच्छा खासा पॉइंट दे करके ये जाएगा। तो फिलहाल अगर आपने हमारा ये वीडियो देख लिया है तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। टीम जो है, आपको आप सोच रहे हो टीम का है, तो टीम मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे। इतना वीडियो देखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा किस प्लेयर को रखना है किस प्लेयर को नहीं रखना है। टीम के लिए टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में पिन है, वहां से जाकर के उसे फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना टेलीग्राम चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं और टेलीग्राम चैनल पर टीम देखते हैं अपनी। चलिए धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, फिर मिलेंगे।